चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलिन एलिन का देखो तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि एलिलिक कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो ये देखो तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब समझ में आ रहा है हमको कि किसका न्यूक्लियोफाइल का। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों पार्ट बोले जाते हैं। उसके बाद देखो एक एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन किसको बोलते हैं, एलिलिक कार्बन, तो एलिलिक कार्बन में हम बता सकते हैं इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड सी, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, अब इससे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं ये, ठीक है, इससे अगर जुड़ा हुआ इस प्रकार का मान लो ग्रुप है सी एच थ्री सी एच टू सी एफ सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। तो इसमें देखें ये वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन या विनाइलिक कार्बन, ये भी आएगा, ठीक है, तो विनाइलिक कार्बन कौन सा पोजीशन, इस कार्बन को भी और इस कार्बन को, दोनों को बोलते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन या ओलिफिनिक कार्बन भी इसी को बोला जाता है, ओलिफिनिक कार्बन, ठीक है। आगे देखें उससे जस्ट जो जुड़ा हुआ ग्रुप है ये 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 ये, ठीक है, अगर उस पोजीशन पे कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, मान लो इसके लिए जी रहता, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिलिक ग्रुप, अगर कोई ग्रुप रहता उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलिलिक ग्रुप। कार्बन उपस्थित देखो सब तो उसको हम बोलेंगे एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन, ठीक है। अब इस एलिलिक कार्बन पर जो ग्रुप है कौन सा है, तो सीएल है। सीएल का क्या होता है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो मतलब यह कैसा व्यवहार करे, तो यह कैसा व्यवहार करेगा, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का व्यवहार करे, यह लीव कर जाए यहां पे और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे आ जाता है या इस कार्बन पे एड होता है, एलिलिक कार्बन पर अगर एड होता है, तो इस टाइप के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलिलिक कार्बन कहते हैं, क्लियर है। तो इसको बताना पड़ेगा विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन से देखें तो उससे जस्ट अगला वाला अटैच से जो कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे एलिलिक कार्बन, और उस एलिलिक कार्बन पर अगर कोई लिविंग ग्रुप है उसका अगर न्यूक्लियोफाइल के या न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो इस टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिलिक कार्बन, क्लियर है ये चीज। आगे इसको देख लेते हैं वर्ड में, एलिलिक कार्बन, ये देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें से इस कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन से अगला जस्ट जुड़ा हुआ ग्रुप जो है, ठीक है, अगर ग्रुप जुड़ा है तो उसको एलिलिक ग्रुप बोलेंगे, लेकिन अगर उस ग्रुप में कार्बन भी उपस्थित है तब उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एलिलिक कार्बन। अब इस एलिलिक कार्बन में अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिविंग ग्रुप लिव करेगा और उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल आकर के
ऐड करेगा, ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है लिविंग ग्रुप का किसके साथ में, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो अगर यह ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा रिप्लेसमेंट अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिलिक कार्बन। ग्रुप वाला ऊपर में है, हाँ एलिलिक ग्रुप है, तो ये कहाँ कौन ये एलिलिक ग्रुप, हाँ कहीं पे भी जोड़ सकते हो, एलिलिक ग्रुप तुमको बनाना है उसको। तो इसमें देखो एग्जांपल, मैं तो इतना बड़ा वाला दे दिया एग्जांपल, तुमको बुक में ये भी मिल सकता है ऐसा। अब क्या बोलोगे इसको इसको इसको, ये भी एलिलिक ग्रुप है लेकिन एलिलिक हाइड्रोजन है, तो क्या बोलेंगे उसको, एलिलिक हाइड्रोजन, समझ में आया। लेकिन वर्ड यूज किया हम लोग कार्बन का, तो सिर्फ कार्बन में ही सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है, अगर वहां पे लिविंग ग्रुप उपस्थित हो। चलो आगे देखते हैं इसमें, व्हेन सबस्ट्रेट, व्हेन सबस्ट्रेट के एलिलिक, व्हेन सबस्ट्रेट के एलिलिक एलिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट के प्रोसेस के द्वारा रीअरेंजमेंट के प्रोसेस से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, इसे एलिलिक शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे एलिलिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे एलिलिक शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलिलिक कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला देखें, इसका एग्जांपल सिंपल सा दिया हुआ है विदाउट रिएक्शन के, कि एलिलिक ग्रुप क्या होते हैं इसको, तो एग्जांपल में दो तीन में एग्जांपल बता देता हूं, जैसे ये CH2 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH इससे जुड़ा हुआ है CH2X, बोलो ये बॉन्ड दिया हुआ है, मतलब ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें एलिलिक कार्बन कौन सा, बता ये चलो बोलो CH2X, ये क्या होगा एलिलिक कार्बन, ये ठीक है, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये भी एलिलिक कार्बन, क्लियर है जी, तो एलिलिक कार्बन ये, और ये दोनों पोजीशन कौन से कार्बन से होंगी, विनाइलिक कार्बन, ये दोनों चीज समझना है, विनाइलिक और एलिलिक। हाँ आगे देखते हैं इसमें, व्हेन एलिलिक सब्सट्रेट को
न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कर किया जाता है, तो जब हम क्या करते हैं, व्हेन एलिलिक एलिलिक सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किया जाता है, किया जाता है। तो देखो जो एलिलिक सबस्ट्रेट है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो वह SN1 SN1 कंडीशन को फॉलो करते हुए होगा, तो वह SN1 कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट बनाएगा, वे प्रोडक्ट वे प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या होते हैं, तो टू टाइप्स के प्राप्त होते हैं। टू टाइप्स में कौन कौन सा, तो ये देखो दो टाइप्स के हमको प्रोडक्ट मिल गए, इसमें से फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यह कैसा प्रोडक्ट होता है, यह प्रोडक्ट होता है नॉर्मल प्रोडक्ट, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट भी मिलता है और साथ ही साथ रीअरेंज प्रोडक्ट भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखें इसका रिएक्शन देख लेते हैं, तो रिएक्शन में देखते हैं हम लोग, तो ये देख सकते हैं रिएक्शन, तो एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका जब मैं क्या करता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराता हूँ एस एन वन पर, ठीक है, एस एन वन कंडीशन में तो क्या देगा यहां से, तो सबसे पहले तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में जो देखो, तो पहले स्टेप में क्या हो, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और है सी एच टू, और इस पर मिलेगा हमको प्लस और इसके साथ साथ हमको एक्स माइनस, ठीक है, वाला कंडीशन समझ में आ गया। एस एन वन से करा रहे हैं, स्लो स्टेप रहेगा ये और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या होगा, तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, तो वाई माइनस जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा या न्यूक्लियोफाइल के बराबर है, या न्यूक्लियोफाइल के रूप में वाई माइनस को लिया। एक्स क्या था, तो एक्स इज आल्सो इक्वल टू है लिविंग ग्रुप, लिविंग, ठीक है। अब क्या हो गया, तो किस पोजिशन पे जुड़ सकता है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट अगर बनेगा तो वो मिलेगा हमको सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू वाई, ये प्राप्त होगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बन रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट और मिलता है, और वो प्रोडक्ट है रीअरेंज प्रोडक्ट, तो वो कौन सा है, तो आर सी एच, इससे जुड़ जाता है हमारा वाई। यहाँ पे देखोगे तो ये सिंगल बॉन्ड सी एच और ये क्या होता है, तो डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसा प्राप्त। तो देखो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज हो गया, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, कहां से, यहां से, ये देखो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड से, हाँ डबल बॉन्ड से कर जाएगा,
ये देखो ये इधर शिफ्ट कर गया तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे और यहीं पे आकर के फिर माइनस वाला आकर के है। तो यहां से ये मिला है हमको यहां कैसे, तो री अरेंजमेंट ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट मिला ये होता है हमारा री अरेंज प्रोडक्ट। चलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन, रिअरेंज प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है तो इसको देखिए, इसमें बोलता है रिअरेंज प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रेजोनेंस के द्वारा बताया जा सकता है। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन दे रहा है रिअरेंज प्रोडक्ट, इसमें बता सकता है, बता सकते हो कि री अरेंज अरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, का फॉर्मेशन रिअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, देखो रेजोनेंस किस में होगा, सब्सट्रेट में होगा कि प्रोडक्ट में होगा कि इंटरमीडिएट में होगा, रेजोनेंस किस में होगा, सब्सट्रेट में होगा कि प्रोडक्ट में होगा कि इंटरमीडिएट में होगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, वहां पे इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखते हैं ये है हमारा कार्बोकेटायन आर सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड है सी एच टू, ये तो है और इस पर है प्लस, इस पर है प्लस, कितना डिग्री का कार्बन है, ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री वाला है, 1 डिग्री का है, क्यों है, देखो ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से इसलिए ये क्या है 1 डिग्री का है, ठीक है। तो यह क्या इसमें चेंज होना चाहेगा, इससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज होना चाहेगा, क्लियर है। तो मोर इससे स्टेबल कौन सा होगा, तो होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है। तो 2 डिग्री का बनाए या फिर 3 डिग्री का बनाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने डिग्री का बन सकता है, देखो तो अगर प्लस यहाँ पे आता है, अगर प्लस यहीं पे आता है तो क्या है, कितने डिग्री का बनेगा, 1, 2, 2 डिग्री, यहाँ अगर प्लस आता है तो फिर भी 2 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 3 डिग्री नहीं बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, ये और ये, क्योंकि ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा उधर, है ना, अगर डबल बॉन्ड आता तो 3 डिग्री जैसा बोल सकते थे। तो यहाँ पे देखो अब रेजोनेंस बोला है, तो रेजोनेंस किसके किसके बीच में होता है, तो डबल बॉन्ड और प्लस के बीच में होता है, ये तो पता है, क्लियर है। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस करेगा तो ये देखो तो ये बॉन्ड किस बीच में शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये प्लस जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम जरूर पहन देते हैं, पहनो छोड़ो मत, जो बता रहा हूँ तुम्हारे भाभी का जो है ना अचानक से नंबर बढ़ गया है और जन्म बना है, हाँ तो पहन ही बात है इसी बोल। चलो ये देखो आगे, तो ये R हो गया, R से देखो सी एच सिंगल सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये बन गया और प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सिफ्टिंग हो गया। अब देखो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया, 2 डिग्री का, और क्या बोले थे SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन में कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, ये बोल करके रखे हो, ठीक है। तो वही चीज है, देखो 1 डिग्री लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है लेस स्टेबल, क्लियर है।
इसलिए यहां से हमको कितने प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट होता है हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। इससे प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 1 डिग्री से, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हाँ, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। बोल क्लियर है इतना? इसमें किसी कुछ पूछना है इतने में? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इसमें इसमें बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज C1 एंड C2 पर कैरी करता है, पता है अटैकिंग ग्रुप जो है बोथ कार्बन पर अटैक करके टू टाइप के प्रोडक्ट करते हैं। तो इसमें दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस इसको 1, 2 और 3 मान लो कैथ नंबर ही कर रहे थे कार्बन के बेस, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बो के टाइम, इंटरमीडिएट कार्बो के टाइम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो कैरी करता है, कैरी फ्रॉम C1 to C3, C1 से C3 में क्या करता है, कैरी करता है, हेंस कैरी करता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल C1 and C3 बोल को लिखा पर अटैक करेगा, अटैक कर सकता है, हेंस टू डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यही डायग्राम यहाँ से बनेगा तो बना नहीं रहे हम, क्योंकि वही चीज उसने बता दिया, 1 पोजीशन से 3 में आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण से 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हम को यहाँ से प्राप्त। क्लियर है जी? आगे तो तीसरा इसमें कहा था जिसका पॉइंट कि दिस मैग्नीशियम इज कार्ड एसएन 1 मैग्नीशियम इन एसएन 1 के अंदर मोर स्टेबल प्रोडक्ट का कंटेंट टू कंट्रोल प्रोडक्ट का SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखो क्या करता है, तो यह इस टाइप का जो रिएक्शन होता है वह कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। इन SN1 रिएक्शन मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म में मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट आर फॉर्म, प्रोडक्ट आर फॉर्म दैट इज देखो तो दैट इज कैसे लिखते थे, गायब हो
ऐसे निकलो दैट इज थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि यह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। यह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है या उसका काम करता है, प्रोडक्ट का फॉर्म भी फॉर्म। इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आता है तो वह नॉट रिच, रिच मतलब रिच मतलब अमीर होता है, मतलब ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आता भी है तो वह बहुत कम आता है, ठीक है, मतलब बहुत मिनिमम रहता है। तो देखो इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे आता है, सिंपल तरीके से देखे देखो तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच इससे सी एच टू एच, ये था। इस बार क्या कर रहे थे, यह यहाँ पर सिंगल लाइन दे दिया था, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यह बहुत क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है, मतलब पुअर हो, पुअर टाइम, मतलब इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट आता है वह क्या होता है, अगर आता है, अगर आता है की बात करते हैं ना, कोई रिएक्शन है उसमें आएगा, कोई रिएक्शन है उसमें नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसमें आ रहा है, आ रहा है तो यह कितने के लिए होता है, तो नॉट रिच, वह ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, ठीक है, या अमीर समय के लिए नहीं होता है, तो वह कैसा होता है, पूरा टाइम क्लियर है, समझना है। आगे देखिए इसमें तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज करेंटली प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पे लिख सकते हो इक्विली इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वह काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है तथा लेस स्टेबल होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के कारण से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, तथा वह लेस स्टेबल नेचर का होता है, क्लियर है ये चीज। चलो बोलो पीछे बताओ मेरे को कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग। बता सकते हो, तो ये देखो आर सी एच डबल वन सी एच सी एच टू एच, ये है, ये क्या हो गया, ये टूटा किसके, कार्बन के टाइम में आर डबल वन सी एच सी एच टू प्लस और प्लस है एक माइनस, और ये जो है यहाँ से हमको दो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, दो प्रोडक्ट है, कौन कौन सा ले रहा है, ये वाई माइनस यहाँ पे आ रहा है, वाई माइनस ले तो निकलो फैला रहा है, तो यहाँ से हमको एक प्रोडक्ट मिला आर सी
ये दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा है और काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा है? तो इसमें से लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यही चीज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ किसके बेस पे बनता है ये रिएक्शन? तो कार्बोकेटायन के बेसिस पर। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो बोलो इसमें से मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? दोनों में तो ठीक है, ये क्या होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं इसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, ठीक है। और क्या बोलोगी? और क्या बोलोगी? हाँ बोलो क्लियर है कि इसको क्या बोलोगी? रेस स्टेबल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और क्या बोलोगी? नॉर्मल। ये जो एक्सप्लेनेशन किया उसके बेसिस पर ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन क्या देता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल देता है और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड से हमको यहाँ पे इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस रिएक्शन के लिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। ये दोनों में कार्बो के टाइम कैसे देखते हैं? इतने समय तक मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये दो तो लिखा हूं, इसको मिटाया क्यों नहीं? अब उतने नॉनसेंस तो नहीं हो कि जहां पे प्लस है वही पे तो वाई जुड़ेगा, यहाँ वाई जुड़ेगा, इसमें यहाँ वाई जुड़ेगा, ये कितना डिग्री का है, इससे कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। इतना तो समझ में आना चाहिए, बीएससी 12वीं 11वीं की स्टूडेंट नहीं हो तुम लोग, इतना समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा मैं कार्बो के टाइम जो बना, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि रीअरेंज प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो अब सब जगह इसी चीज को फिर से छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो उस बेसिस पर उसको देखना है। इसको इसीलिए मैं बार बार बता दिया था कि यहाँ से नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 1 डिग्री है, यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा ये 1 डिग्री, बुक में इतना भी नहीं मिलेगा, बार बार लिखा हूँ लेकिन बुक में इतना भी नहीं दिया रहा था, उसमें एक बार बता दिया उसी को लेकर के चलते, ठीक है। या फिर ये जो लिखा क्या दिया ऐसा लिखा था तो वहां पे लिखा रहता है ऐसा 15:1, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना यही पे कहीं पे लिख दिया रहता है ऐसा 15:1, ठीक है। तो 15:1 का मतलब क्या है? वहां पे इसकी मन जो होगा वहां पे जाकर के उसको देखो, ठीक है। ऐसा ठीक है, तो बुक पढ़ो, तुम लोग सिर्फ नोट के भरोसे हो गड़बड़ या ट्यूशन के भरोसे हो भी गड़बड़, बाद में तकलीफ होगा। जब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना क्लियर रहे तुम लोग, लेकिन बाकी का फिर बुक खरीदो और पढ़ो तब ठीक रहेगा। मतलब ट्यूशन भी पढ़ो लेकिन ये है कि इसमें जो नोट मिलता है उसको भी पढ़ो। ये टॉपिक कौन से बुक में मिलेगा सर? ये वाला न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जगदम्बा पता है कितने हैं एडवांस और कॉलेज में, यहाँ कॉलेज में मिल जाएगा, कॉलेज में है बहुत सारा बुक, अभी फिलहाल नहीं मिलेगा।
चलो आगे देखिए इसमें, तो यहां से ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन थर्ड। अब आगे देखते हैं इसमें व्हेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बन में SN2 मैग्नेशियम के द्वारा बिना एलिफेटिक रिएजेंट के द्वारा होता है, तो SN2 कंडीशन कब फॉलो करता है। हां अब इसमें कंडीशन टू देखते हैं, दूसरा कंडीशन है कंडीशन, इस कंडीशन में देखिए तो इसमें बोलता है कि इफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलिडी एलिडी कार्बन कार्बन बिना रीअरेंज बिना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट या बिना रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट ए द्वारा अगर होता है तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एन एलिलिक कार्बन जो वह अगर बिना रीअरेंजमेंट के हो रहा है, मतलब यहीं पे रुक गया है, इससे ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता इस पोजीशन पे, तो ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब देखो उसने बता दिया कि अगर रीअरेंजमेंट प्रोसेस अगर नहीं है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं है तो क्या होगा, SN2 क्लियर है। साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि वहां पे कार्बो के टाइम भी नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, अगर कार्बो के टाइम बनेगा तो कार्बो के टाइम की प्रवृत्ति होती है कि वह मोर स्टेबल कार्बो के टाइम में चेंज, ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि अगर कार्बो के टाइम बन रहा है तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा और SN1 मैकेनिज्म देगा, जिसमें थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल। दूसरा देखें तो दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो कार्बो के टाइम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और कार्बो के टाइम का फॉर्मेशन भी अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, तो वन स्टेप मैकेनिज्म होता है और डायरेक्ट वह सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, क्लियर है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। आगे इसको देखते हैं तो ये आगे देखो तो इसमें ये कंडीशन पहला और दूसरा वाला है फॉलो करता है, जब SN2 मैकेनिज्म एवं SN2 कंडीशन मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है तो नॉर्मल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है, का ही फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम से सब्स्टिट्यूशन होता है तो वह नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसमें अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्या होता है तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये देखो तो
आर है इससे जुड़ा हुआ सी एच हो गया, डबल बॉन्ड सी इससे जुड़ा हुआ एच और इससे ये होगा सी, यहाँ पे है एच एच और ये एक्स ठीक है। अब यहां से ये क्या होगा, ये देखो तो न्यूक्लियोफाइल SN2 मैग्नीशियम पर है, SN2 मैग्नीशियम क्या होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग बटन को लेगा, ये वन स्टेप होगा। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा अटैक करेगा, तो ऐसे पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो माने पॉजिटिव क्रिएट होता है। देखो यहां पे क्रिएट हो क्यों, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो ये रीअरेंज होकर गैस बन सकता है ठीक है। तो किस बेसिस पर ठीक है, इस बेसिस पर क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां और इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ठीक है। अब क्या बना यहां से, तो यहां से बना है देखो आर सी इससे जुड़ा एच, यहां पे न्यूक्लियोफाइल और यहां पे सी एच डबल बॉन्ड सी एक साइड एच दूसरे साइड आर ठीक है। अंतर क्या है, अब यहां पर अल्फा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का अल्फा पोजीशन कौन सा, उससे फर्स्ट वाला कार्बन अल्फा पर न्यूक्लियोफाइलिक आके न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा है, मतलब अल्फा सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, ये समझ में आया। इस बेसिस पर इसको हम लोग बता दें, अब देखो अंतर उससे इसमें क्या आ रहा है, तो देखो सी आर एच इस साइड का जो ग्रुप है वो जैसा है वैसा ही दूसरे साइड का भी ग्रुप है सी आर एच क्लियर है। तो इससे कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा कहने का मतलब पहले वाले कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, अलग अलग था उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, सॉरी नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट दोनों के दोनों एक ही मिले कैसे, ये देखो मान लो ये रीअरेंज कार्बोकेटायन बना दो तो ये प्लस है, प्लस कहाँ जाएगा यहाँ आएगा ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन सकता था ये निकलता यही से न्यूक्लियोफाइल जुड़ता तभी देखो क्या बन मिलता हमको आर सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ से मिलता हमको आर इधर से न्यूक्लियोफाइल और इधर मिलता एच। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पलट होना ऐसा समझना है। देखो ये भी अल्फा पोजीशन है, ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल डबल बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल है मतलब अल्फा सब्स्टिट्यूशन समझना है, सेम है दोनों प्रोडक्ट सेम है, भले ही लिखने का तरीका कैसा दिखा है उसको कैसे क्लियर है, तो दोनों को एक तरीके तो इससे देखो ये प्रोडक्ट भी बनेगा ये प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन हमको क्या पता चला फाइनली हम प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऐसा ही प्रोडक्ट नहीं होता है, सब इन दोनों की क्वालिटी क्या होगी सेम होगी, सेम है इसलिए यह क्या होता है इसको, इसीलिए हम लोग SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन आ रहा होगा तो बोलो इसलिए ठीक है। चलो तो ये लिखोगे तो भी ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो इसको हटा लिया, दोनों सेम मिल रहा है और सेम मिल रहा है मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट ही दे रहा। अब इस रिएक्शन के लिए देखिए, तो इस रिएक्शन के लिए काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता ही नहीं क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट ही नहीं है, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या, नहीं है इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, मतलब यह सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट रहेगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और इसका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा था उसके जैसा, क्लियर है ये चीज, तो वही चीज
एंड बाय टेकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द गामा पोजीशन इंटरेस्टेड टू अल्फा पोजीशन दिस इज कॉल्ड एस एन आई मैथड. ठीक है, ये समझ आ गया. अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं. आगे एग्जाम्पल ऑफ इसका एग्जाम्पल किस तरह का है. एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ए एन एलईडीक कार्बन बाई इसके द्वारा एस एन टू नाइन. ठीक है, ये एग्जांपल है जिसके द्वारा तो एस एन टू मैकेनिज्म के द्वारा अगर एलईडीक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होता है तब. ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ है रिएक्शन एम ई इससे है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच. ये दिया हुआ है. ठीक है, इसका जब हम बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बेस क्या होता है, बेस जो कि ओ एच डोनेट करे वही चीज देखा है, वही डोनेट कर रहा है, बेस है. अब यह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार कर सकता है. ठीक है, अब इसमें देखें तो इसको एक गड़बड़ कर दी, इसको हटा तब नहीं तो ओ एच जोड़ोगे ओ एच निकालोगे ऐसा रिएक्शन कभी नहीं होगा, है ना. तो उसके लिए तो हमको क्या डालना पड़ेगा, हाइड्रोजन, मतलब जो उससे लेस स्टेबल हो वो डालना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मोर स्टेबल हो और जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो उससे प्रोडक्ट से लेस स्टेबल हो. ऐसा तो सी एच सॉरी एक्स ये लेकर क्या होगा बोलो, एक्स बाहर निकल जाएगा और ओ एच आकर के जुड़ जाएगा. कहां पे जुड़ेगा ओ एच, कहां पे जुड़ेगा, हेलोजन जहां से निकलेगा वहां पर जुड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है, इसका कंफ्यूजन नहीं था, दोनों साइड सेम था. ठीक है, तो यहां से देखो, तो यहां से जब क्या होता है तो रिएक्शन करोगे तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ये मान लो न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है एस एन टू में भी, बट इतना है कि कार्बो के टायन नहीं बनेगा. तो ऐसा कैसे बनेगा, कार्बो के टाइम यहाँ पे नहीं बनना है तभी एस एन टू होगा ना. चल तो बोलो कि इसमें दो प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है हमको. ठीक है, तो देखो यह क्या होता है, तो इसकी भी कंडीशन बताता है दोनों प्रोडक्ट का, वो है पहला कंडीशन बोलता है एट इक्विलिब्रियम, यही पे मैं ले लेता हूँ एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में अगर ये रहा इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, वर्सेबल में, अब इक्विलिब्रियम में है
तो क्या होगा, यहीं से एक्स निकलेगा ओ एच आकर के यहीं पे, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू और यहाँ पे आ जाएगा ओ। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है तो उसको ऐसा करो, एक स्टेप को लिखते हैं ट्रांजिशन स्टेप, तो वो ट्रांजिशन स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो पी एच सी एच ई डबल बॉन्ड ए और सी। अब यहाँ पे देखो किसको क्या लिख सकते हैं हम, ये टेट्रागोनल बनता था, टेट्रागोनल। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड को हम कैसा बनेंगे, सॉरी ट्राइगोनल बाई ट्रायंगल बन, ये होगा और OH यहाँ पे आता है, एड होना चाहेगा। ये ट्रांजिशन कौन से कंडीशन का, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये होगा इक्विलिब्रियम, एड इक्विलिब्रियम में क्या बन गया, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला वो मिलेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी और इससे जुड़ा हुआ ये देखो तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एच ए एच और है एच, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये 100% इक्विलिब्रियम में रहेगा तब के कंडीशन में ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, 100% अगर इक्विलिब्रियम मिल रहा है तो ये मिले, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट है ये, जो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा देखो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ऐसा कंडीशन, तो देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं सीधा, तो इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट बनाया, तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या बना सकते हैं, तो इसके लिए लिख सकते हैं पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच एच एक्स, ये है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है, देखो तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक, ठीक है, तो इसको कैसे लिखाएंगे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट है तो इसको न्यूक्लियोफाइल क्या था ओए हो गया, यहां से ये बॉन्ड एक टूट रहा, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड शिफ्ट करोगे, ये ऐसा करके दिखाए थे ना, तो शिफ्ट करेंगे उसी को, हम कैसे दिखा रहे हैं, तो ये देखो डॉटेड डॉटेड करो, हो गया। और तीसरा देखो तो ये वाला ये भी, ठीक है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहां से देखो प्रोडक्ट के रूप में ऐसा कर देते हैं, यहां से हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये पी एच सी एच, यहां पे मिल जाएगा ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिला। यही क्या होता है, यही मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर मतलब समझ आते हैं, ज्यादा मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट अगर है तो कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी क्या बोला है देखो तो 100% तब के कंडीशन में ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर मतलब जीरो, मतलब 0% ये मिलेगा, 100% अगर देखो दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन और दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और 100% इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो ये प्रोडक्ट बने, ठीक। दूसरा देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है तो वो क्या करेगा, ये बनाएगा और ये क्लियर है, तो प्रोडक्ट ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, कब, जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब, ठीक, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस बेसिस पर यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, इसको देखो तो ऐसा बना सकते हो,
बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग और है बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसा ये ट्रांजिशन स्टेज बताते हैं बुक में, ऐसा रहेगा ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो ये है टी एस, ये भी कहां पे ये वाला टी, तो इसको भी ऐसा लिखा। ये एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं, एक्सप्लेनेशन है लेकिन इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया ठीक है। मतलब ये चीज लिखा हुआ है जो बताए ना कि ऐसा होता है वो लिखा हुआ है लेकिन ऐसा डिटेल में नहीं बताया, तो इसको अच्छे से नोट कर लिया। ठीक है आगे बढ़े, अब इसके बाद देखते हैं कि कंडीशन का ही ये देखे थे हम लोग क्या, अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं कंडीशन टू। कंडीशन टू में है एस एन आई मैकेनिज्म फॉलो करने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन किसका एलिलिक कार्बन ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिलिक कार्बन। तीसरा टाइप का मैकेनिज्म भी फॉलो करता है, कौन सा एलिलिक कार्बन और ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा एस एन आई, इसको क्या बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। हाँ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ये बोले थे, इंटरनल वर्ड यूज किए थे ना ठीक है। इंटरनल के बेसिस पर इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसके एग्जांपल में बताया जाता है ए ई जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है सी एच डबल बॉन्ड थ्री एच और इससे जुड़ा हुआ है सी एच टू ओ एच, इसका जब हम एस ओ सी एल टू के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये देखते हैं एक बार और पढ़ चुके हैं याद होगा, तो यहां से माइनस ए सी एल बाहर निकलता है और माइनस ए सी एल बाहर निकलेगा तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ओ ये हो जाएगा और यहां से जुड़ा हुआ एस डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड C L और T L, S T L निकल गया तो ये एक कट जाएगा ठीक है, ये बन गया ठीक है। अब क्या हुआ था याद है कुछ सलीस ये इस पर आ जाता था ठीक है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता था और इस पर नेगेटिव चार्ज याद है ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ऐसा होगा तो यहाँ से हमको एक प्रोसेस और मिलेगा, इसमें है ए ई सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू और इस पर आ गया प्लस और साथ ही साथ यहाँ पे हमको यहाँ से मिलता था एच डबल बॉन्ड ओ O
ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आया तो क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, एक स्क्वायरिंग आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हुआ तो ऐसा बन गया। अब यहाँ पे ये क्या होता था, यहाँ पे क्या करता था, सीएल को यहाँ से रिमूव करता था, सीएल पर आएगा कौन सा चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये प्लस जो है वो मेकअप हो जाएगा, क्लियर है। तो इससे क्या मिला हमको प्रोडक्ट, तो इससे हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता था NeCl, और इससे जुड़ा हुआ Cl, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, साथ ही साथ SO2, ये मिलता, और ये जो प्रोडक्ट मिला है यह 100% या फिर बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता, ठीक है। तो यहां पे बताया गया कि जो एलिलिक ग्रुप है, एलिलिक कार्बन है, उसमें तीनों मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म और है SNI मैकेनिज्म, ठीक है, और तीनों का ये अलग अलग क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। तो देखो SN1 मैकेनिज्म में कौन सा काइनेटिक्स होता है, SN1 मैकेनिज्म में कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, SN2 सेकंड ऑर्डर का, और SN9 में थर्ड कैसा हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, क्या लिखे हो SN9 का, देखो एक बार थोड़ी से, देखो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, नहीं तो सेकंड ऑर्डर लिखे हो, डिग्री रह देखो यहाँ से, ठीक है, तो वो पहले ही स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका और इसका जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, मान लो एक नंबर के में सिंपल सा, कि एलिलिक कार्बन पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, तो बोलो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, मैं क्या पूछा, मैं ये पूछा कि एलिलिक कार्बन पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तब उसके लिए ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर फॉलो करता है, आंसर क्या होगा, बोलो थ्योरी तो लिख लोगे लेकिन ये इसका आंसर है, सब्सट्रेट चेंज नहीं हो रहा है, मेन चीज क्या चेंज हो रहा है ये देखो, तो इसका प्रोसेसिंग चेंज हो रहा है, तो वहां पे नहीं दिया है ना, रिएक्शन ही नहीं दिया है वहां, तो सिर्फ क्वेश्चन तुम लोग ऊपर डाल दिए, तो कैसे बताओगे, तो सिंपल सा है, यदि एलिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होता है तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो हो, अगर वह रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होता है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा या ऑर्डर शो करेगा, यदि वह SNI मैकेनिज्म से होता है तो भी वह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा, अगर एक नंबर या डेढ़ नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन है तब उसी को पांच का कर दिया तो जितना लिखे थे उसमें से कम लिखना पड़ेगा तीनों का, समझ में, उसी को 12 नंबर का कर दिया तो पूरा लिखना है, ए टू जेड छापना पड़ेगा हर एक कंडीशन को, हर एक मैकेनिज्म को, हर एक एक्सप्लेनेशन, समझ में आया,
तो देखो क्वेश्चन एक ही है, एक नंबर का है तब कैसे लिखना है, पांच नंबर का है तब कैसे लिखना है, अब बारह नंबर का है तब कैसे लिखना है, इसको समझ में आया। हाँ अब मान लो पूछ दिया, ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है, कौन सा ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं हाँ सिंपल सा पूछता हूँ, ये बस दिया हुआ है ना, ठीक है, राइट, मतलब ये पूछेगा कि यह किसका एग्जाम, नहीं नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि यह किसका एग्जाम्पल, ऑप्शन नहीं दिया है ना, ऑप्शन तो सब में दिया रहता तब तो पकड़ लोगे, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, एक नंबर पे लिखने को दिया है, तो ये पूरा लिखा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एनिलिक कार्बन का एस एन आई मैकेनिज्म का रिएक्शन है, ऐसा लिखो, सिर्फ ये मत लिखते ना एस एन आई का एग्जाम्पल है, ऐसा करके नहीं लिखते, ठीक है, उसको ध्यान देना बोल रहा हूँ, जो लिखे हैं ना उस चीज पर, और सेम सेम रहेगा दोनों साइड को, रिएक्टेंट इधर भी एक जुड़ा हुआ है देखो, तो इधर भी अगर ये ऐसा रहे, बोलो ये किसका एग्जांपल, SN2 रिअरेंजमेंट नहीं होगा इस तरह, ठीक है, और अगर ये डिफरेंट है फिर भी देखो तो फिर भी SN2, लेकिन दोनों में कहने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है, दोनों में कहने का तरीका बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम अगर होगा तो 100% इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बने, अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो उसमें नॉर्मल या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये समझना है, लेकिन उसमें देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा और रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं प्राप्त, ठीक है, तो ऐसा इसको बताना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर इसको क्या क्या बोलते हैं जो मॉलिक्यूल है उसको, किसको 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 किस मॉलिक्यूल को, जो ये जब दिए है ना सर इतना है, मतलब पीएच वाला उसको, पीएच वाला, चलो बोलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ये चीज तो सबको आना चाहिए ना, बोलो नाम, नाम बोलो कहां से होगा, वन टू इधर की इधर से, सेलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन चैन आईयूपीएसी यानी का पहला चैप्टर नामकरण पद्धति, वन टू थ्री हो गया, डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा ना सर, डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है, कौन पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी डांट खाओगे तुम लोग।